गुड इवनिंग सभी लोगों को, मैं रवि कुमार। आज चलते हैं आपको लेके बिहार एसएससी की प्रमुख जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार नज़रअंदाज नहीं देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से सरसरी निगाहों से देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? बहुत पूछता है क्वेश्चंस, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कहाँ है भैया? कोपेनहेगन। मोरमुगाओ बंदरगाह स्थित है, तो याद रखिएगा ये गोवा में है। कहाँ है? डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो आप याद रखिएगा क्रोन है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 160 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर, सॉरी विश्व की सबसे लंबी नहर स्वेज नहर 160 किलोमीटर। नबार्ड की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा नबार्ड की जो स्थापना है कब की गई? तो ये 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना की गई। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? सिकेन रेल सुरंग जापान, सिकेन रेल सुरंग जापान। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रेनाडा द्वीप किस सागर में स्थित है? तो याद रखिएगा कैरेबियन सागर। ग्रेनाडा द्वीप किस सागर में है? तो याद रखिएगा कैरेबियन सागर। पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? हैती एक देश है, उसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस हैती देश की राजधानी है। आगे चलते हम लोग। ईरानी कप किससे सम्मानित है? क्रिकेट। ईरानी कप क्रिकेट, सिक्के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। सानिया मिर्जा किस खेल के लिए चर्चित है? लाल टेनिस के लिए सानिया मिर्जा संबंधित है। आगे चलते हम लोग। अपर कट किस खेल से? तो याद रखिएगा बॉक्सिंग। अपर कट जो है बॉक्सिंग से है। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? खो खो में 8 क्रॉस लेंस, लेकिन खिलाड़ी की संख्या 9 होगा, लेकिन क्रॉस लेंस जो होती है वो 8 होती है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। इनका जन्मदिन है 29 अगस्त, इनके जन्मदिन पर खेल दिवस, इन्हीं के नाम पे अब जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, जिसकी इनामी राशि है 25 लाख, जो राजीव गांधी का नाम चेंज करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद। आगे चलते हम लोग। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सेगई बुबका। पोल वाल्ट का बादशाह किसे? सेगई बुबका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? ये रेल का आरंभ हुआ 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। मुंबई से थाने के बीच चलती है 34 किलोमीटर। कितनी चलती है? 34 किलोमीटर मुंबई से में जो है ना थाने, याद रखिएगा। रेल का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में होता है। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी जो होता है वो, देखिए निजीकरण का मतलब होता है सरकारी से प्राइवेट, और राष्ट्रीयकरण प्राइवेट से सरकारी। तो राष्ट्रीयकरण 1950। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस। कौन भैया? विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है?
शताब्दी एक्सप्रेस। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? याद रखिएगा जॉर्ज स्टीफंस। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी? अभी बताया 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर भाई? 34 किलोमीटर। जरा और देखते हैं हम लोग अच्छे तरह से, कुछ किताब है उसकी रचना देख लेते हैं एक बार। काम सूत्र की रचना किसने किया? पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया मैंने, वात्सायन। कौन किया? वात्सायन, याद रखेगा। अगर किस राज्य को सोया प्रदेश कहते हैं तो मध्य प्रदेश, और जनजाति भी यहीं पाया जाता है, और दाल भी मध्य प्रदेश में, और इसके यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 230 है। कितना है? 230। रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? याद लगाइएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हडसन नदी, न्यूयॉर्क हडसन, और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी, और द्वीप कहेगा तो याद रखिए मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क मुख्यालय है IMF और विश्व बैंक का, याद रखिएगा। तो वो वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में IMF का और विश्व बैंक का मुख्यालय। न्यूयॉर्क के मुख्यालय है UNO का, याद रखिएगा। भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? याद रखिएगा 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और भाग 22 थे, वर्तमान में भाग 25 है, याद रखिएगा। पहाड़ी नगर याद रखिएगा, कसौली किस राज्य में स्थित है? पहाड़ी नगर कसौली, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सेबों के लिए हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी, सिप किला दर्रा हिमाचल, याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो आप याद लगा लीजिएगा, विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। आगे चलते हम लोग। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम। कल भी इसके बारे में चर्चा हुआ था, आप डेली वीडियो देखते रहिए। आगे चलते हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबरदस्त है, आते हैं जरा यहां से। कुछ पुस्तक, उसके लेखक, दिल्ली पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। और ट्रेन टू पाकिस्तान के भी लेखक खुशवंत सिंह है। गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के भी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? अभी बताया, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी पुस्तक लेखक खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। इंडिया इडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। विजय तेंदुलकर पुस्तक के लेखक कौन है? सखाराम बाइडन। विजय तेंदुलकर के लेखक सखाराम बाइंडर, याद रखेगा। आगे, भागवत गीता के लेखक कौन है? तो याद रखेगा वेद व्यास। रामचरितमानस के लेखक हैं, याद रखेगा तुलसीदास। भाषा है अवधि। आगे चलते हैं। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 में। विधि अधिकारी राष्ट्रपति कहते हैं, प्रथम विधि अधिकारी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आगे, भूतपूर्व संसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो याद रखिएगा 1976। कब से की गई है? 1976 से, याद रखिएगा।
प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। अप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के जनक भी जीवी मावलंकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर, याद रखिएगा। इसका पहला उपाध्यक्ष की बात करेगा अनंत सैनम अयंकर, याद रखिएगा। अनंत सैनम अयंकर प्रथम उपाध्यक्ष। महिला अध्यक्ष कहेगा तो मीरा बाई। अभी कौन है वर्तमान में 2023 में? ओम बिड़ला। कौन भैया? ओम बिड़ला, याद रखिएगा। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O। देखिए लिख दे रहे हैं बगल में, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस, या इसे हंसाने वाली भी गैस कहा जाता है। शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये पूछेगा, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट। और ये कार्बन का अपरूप है और विद्युत का सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, याद रखिएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। स्वचालित ब्रेक में क्या चीज लगा होता है? तो याद रखिएगा, पास्कल के नियम। पास्कल, पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। हाइड्रोलिक मशीन भी पास्कल के नियम पर। कीवी और एमू नौड़ने वाला पक्षी है, जो कि देखिए ध्यान से, एमू पक्षी है ऑस्ट्रेलिया का और कीवी है, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का, याद रखिएगा। संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज है, याद रखिएगा। नागराज जैसा सांप घोंसला बनाता है। नागराज जैसा सांप घोंसला बनाता है, कौन? बाज। सांपों का विष क्या होता है? अम्लीय। सांपों का विष अम्लीय होता है। बोया नामक सर्प बच्चे को जन्म देता है। ऐसे लगभग सभी सांप अंडे देती है, लेकिन बोया नामक सांप जो है बच्चे का जन्म देती है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड संसार का एकमात्र देश है जहां सांप नहीं पाया जाता है। कहां? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है सांप नहीं पाया, सभी लोगों को पता होगा। चलिए, आयरलैंड में विषैले सांप नहीं पाए जाते हैं। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग पकने लगता है, यानी लाल होता है लाइकोपीन के कारण, याद रखिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे सबसे पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आपको बार बार डेली आएंगे वीडियो, शाम के वक्त और सुबह के वक्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।